थोड़ी आज हमारे आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी राघव चड्ढा जी ने दक्षिण दिल्ली के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं बीजेपी के रमेश भदौड़ी जी उनके एफिडेविट की खामियों के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दायर की है और बेसिकली ये इसलिए करनी पड़ी क्योंकि चुनाव आयोग ने उसमें ढिलाई बरती है। मैं सारी चीज़ें एक बार फिर से आपके सामने रख देता हूँ। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो बीच बीच में चेहरा निकल के आता है पूर्वांचल विरोधी, तो बीजेपी के नेताओं ने, बल्कि मैं कहूँ बीजेपी के गुंडों ने अपनी ही पार्टी के पूर्वांचल के पदाधिकारियों को पीटा था और उनके साथ उनके वीडियो भी आप लोगों ने देखे थे, उनके खबरें भी आप लोगों ने छापी थी कि किस तरह से मतलब पूरा का पूरा अंदर से निकल के आ रहा था, चल वे बिहारी वापस चला जा, या अपनी ही पार्टी के पदाधिकारियों को पूर्वांचल प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने मारपीट की थी। उस पूरे मामले में मामले को लेकर रमेश भदौड़ी जी के खिलाफ भी FIR हुई थी। अब उस FIR का जिक्र उन्होंने अपने एफिडेविट में नहीं किया। उनको शायद डर होगा कि बाकी सब तो चलते हैं ठीक है, लेकिन अगर ये FIR का जिक्र मैं एफिडेविट में करूँगा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचल विरोधी चेहरा लाइमलाइट में आएगा उस FIR की वजह से, इसलिए उन्होंने वो जानबूझ के FIR उसमें नहीं लिखी। राघव जी ने उस एफिडेविट को देख के, राघव चड्ढा जी ने उसको देख के और उस पे ऑब्जेक्शन किया वहां पे इलेक्शन कमीशन में। कायदे में FIR जैसी जानकारी छिपाना इलेक्शन कमीशन के कानूनों के हिसाब से अपराध है और उनका नामांकन वहीं रद्द हो जाना चाहिए था। उनको चुनाव लड़ने का हक नहीं होना चाहिए। जो आदमी अपने डिटेल्स ठीक से नहीं बताता, जो आदमी अपनी FIR छिपाता है, उस आदमी को सांसद बनने का हक नहीं है। यही इलेक्शन कमीशन का प्रोटोकॉल है। लेकिन जो भी दबाव रहे हों, इलेक्शन कमीशन ने हमारी तमाम आपत्तियों के बावजूद उनका नामांकन खारिज नहीं किया। उन्होंने वहां पे दलील दी कि साहब मेरी जानकारी में वो FIR नहीं थी। अब अखबारों में छपा हुआ है, मैं आपके सामने न्यूज क्लिपिंग दिखा सकता हूँ, ये FIR है। ये 12/12/2018 की FIR है, 12 दिसंबर 2018 की FIR है रमेश भदौड़ी जी के खिलाफ। ये FIR थी, इसके बारे में अखबारों में छप रहा है, अखबारों की न्यूज क्लिपिंग्स हैं इसमें, उनके बारे में उनके जो फेसबुक पेज है उस पर वो टैग है FIR, जो कि उनका पर्सनल अकाउंट है, जिसके बारे में वो खुद चुनाव आयोग में जानकारी दे रहे हैं कि मेरा पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट है। जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी मानहानि के मुकदमे में, वहां पर उनके संज्ञान में ये FIR के बारे में लाई गई थी, उस पर भी वहां उनसे क्वेश्चन किया गया था कि आपके खिलाफ तो ये FIR है। तो तीन तीन चीजें तो ऐसी हैं, सोशल मीडिया अकाउंट पे, अखबारों में और खुद सुनवाई के दौरान उनकी मौजूदगी में वकील ने उनसे कहा था आपके खिलाफ तो FIR उनके संज्ञान में लाई गई थी, उसके बावजूद वो चुनाव आयोग में खड़े होकर कह रहे हैं कि जी मुझे इसके संज्ञान में नहीं थी, मेरे संज्ञान में ये FIR नहीं थी। तो इसका मतलब पूर्वांचल विरोधी जो चेहरा उनका बेनकाब हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसको कवर करने के लिए उन्होंने जानबूझ के FIR छिपाई और जब रंगे हाथों पकड़े गए तो चुनाव आयोग पे दबाव डाल के उनका नामांकन रद्द नहीं किया गया, रद्द करने से रोका गया। तो आज हम कोर्ट गए हैं इसको लेके और हमें पूरा यकीन है कि हाई कोर्ट में बहुत जल्द, क्योंकि रिट में गए हैं, बहुत जल्द इस पे फैसला होगा और उनका नामांकन ही रद्द हो जाएगा। और अगर नामांकन रद्द भी नहीं हुआ तो वो चुनाव के बाद भी उनका बाई चांस वो अगर वोट दे के जीतते हैं, वैसे तो जीतेंगे नहीं, तो इसलिए मेरा इनफैक्ट दक्षिण दिल्ली के वोटर्स से भी अपील है कि ऐसे व्यक्ति को तो वोट बिल्कुल ना दें जो अपनी FIR छिपाता है और जिसका नामांकन ही रद्द होने की कगार पे है। यही आपके बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। साथियों, एफिडेविट, जिस एफिडेविट का जिक्र मनीष जी ने किया, एफिडेविट कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है उससे पहले अपना सारा बही खाता चुनाव आयोग के सामने रखता है और चुनाव आयोग उसको सार्वजनिक करता है कि जनता उस एफिडेविट को देख कर, सोच समझ कर फैसला ले कि इस व्यक्ति को वोट देना है कि नहीं देना, जिसमें आप अपनी वित्तीय जानकारी देते हैं कि मेरे पास इतनी संपत्ति है और ये जानकारी देते हैं कि मेरे ऊपर अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो उस मुकदमे की क्या क्या डिटेल्स हैं। रमेश भदौड़ी जी ने जो अपने एफिडेविट में लिखा
उसमें उनके खिलाफ जो आपराधिक मामले चल रहे थे उनकी जानकारी थी, पर एक आपराधिक मामला जो उनके खिलाफ चल रहा था उसकी जानकारी नहीं थी। वो थी बिहार के मुजफ्फरपुर में दर्ज करी गई FIR। उस FIR को दर्ज कराने के निर्देश भी बिहार के एक मैजिस्ट्रेट के कोर्ट ने दिए कि भैया आप इनके खिलाफ FIR दर्ज कराओ। कोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ बिहार में FIR दर्ज हुई, जो सार्वजनिक थी, न्यूज़पेपर में छपी, फेसबुक पे टैग करी गई, और रमेश बिदूड़ी जी के संज्ञान में ये बात अरविंद केजरीवाल जी के वकील ने, जो मानहानि का मुकदमा चल रहा है उसमें, उनके सामने भी रखी आज से 6 महीने पहले 5 महीने पहले कि भैया आपके खिलाफ बिहार में ऐसे ऐसे मुकदमा दर्ज है। ये बात उनके संज्ञान में हमारे वकील ने आज से 6 महीने पहले भी लाई थी, लेकिन रमेश बिदूड़ी जी ने उस एफिडेविट में उसका जिक्र नहीं करा। क्यों नहीं करा? पूर्वांचल से आए हमारे भाई बहनों पर जो दक्षिणी दिल्ली में अत्याचार हुए उसके चलते उनके खिलाफ FIR हुई, तो उन्होंने उसका डिटेल देना जरूरी नहीं समझा। जैसा कि मनीष जी ने बताया, हम रिट में गए हैं, हाईकोर्ट गए हैं आज। ये हाईकोर्ट का जो केस हमने दर्ज कराया उसकी कॉपी है, ये मैं अभी सार्वजनिक कर दूंगा, आप सबको दे दूंगा, आप सब इसको देख लीजिएगा हम क्या क्या ग्राउंड लेकर हाईकोर्ट में गए हैं। बहुत जल्द, मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 1 महीने के भीतर within 30 days इसका फैसला आ जाएगा। टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, ये क्लियर केस है। ऐसी केस में 100% लोगों का नामांकन रद्द होता है अगर आप अपनी जानकारी छुपा ले। FIR आपके खिलाफ है, आपने वो छुपा ली, उनका नामांकन अवश्य रद्द होगा। और उसका सबसे बड़ा सबूत है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। रमेश बिदूड़ी जी से जब चुनाव आयोग ने ये पूछा कि भैया आपके खिलाफ कोई FIR दर्ज है क्या, तो रमेश बिदूड़ी जी ने उसी दिन जो अपना जवाब रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग के सामने दाखिल करा, उस जवाब के पहले पॉइंट में उन्होंने ये कबूला कि हाँ मेरे खिलाफ ये FIR है और मैं इसके बारे में जानता नहीं था, और FIR है आज ही पता लगा है, और अब मैं जो भी कंप्लायंसेस हैं, जो भी कानून का पालन करना है, जिस जिस धारा का पालन करना है, उस धारा का मैं अवश्य पालन करूंगा। तो रमेश बिदूड़ी जी ने खुद अपने रिप्लाई में इस बात को स्वीकारा है कि उनके खिलाफ ये FIR दर्ज है। जब उन्होंने ये बात स्वीकार ही ली तो पूरा केस समाप्त हो जाता है। अब उनका नामांकन रद्द होने में कुछ ही दिनों की बात है, लगभग 1 महीने के भीतर उनका नामांकन रद्द हो जाएगा। और जैसा मनीष जी ने कहा, मैं भी दक्षिणी दिल्ली के मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति रमेश बिदूड़ी जी को और भाजपा को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें। जो बीजेपी को वोट देना भी चाह रहे हैं, ऐसे तो बहुत कम लोग देना चाह रहे हैं, पर जो देना भी चाह रहे हैं वो भी ना दें, क्योंकि उनका नामांकन अवश्य रद्द होने जा रहा है।